जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का प्रेम ही असली प्रेम है। अतः भगवान को छोड़कर भोगों में जो मन लगाता है सो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मजे की बात तो यह है कि जगत में जिन लोगों के पास जगत की कुछ वस्तुएं हैं वे अपने को भाग्यवान मानते हैं और मूर्खतावश और लोग भी उन्हें भाग्यवान कहते हैं। किंतु एक फकीर जिसके पास जगत की कोई वस्तु नहीं है और जिनकी उसे कामना भी नहीं है तथा जो अपनी स्थिति में भगवान का स्मरण करते हुए सर्वथा निश्चिंत और मस्त है, उसे लोग गरीब या अभागा कहते हैं और कह देते हैं बेचारे को सुख कहाँ। पर जो पदार्थ हमें भगवान से दूर कर दें और जो नरका नल में दग्ध करने में सहायक हो, उस पदार्थ जनित भाग्यशीलता के लिए क्या कहा जाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। श्री शिव जी कहते हैं वे अभागे हैं, भाग्य फूटा है उनका, जो भगवान को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। सौभाग्यवान कौन जो सबको छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है। भरत जी ने श्री लक्ष्मण जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहा था कि अहं धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण के समान कौन बड़भागी है जिसका श्री राम जी के चरणों में अनुराग है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन इव नर बड़भागी। रमा के वैभव को जो राम अनुरागी जन वमन के समान त्याग देते हैं वे ही बड़भागी हैं। भोग रूप से तो लक्ष्मी अलक्ष्मी के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में रहती है। उस दुर्भाग्य के रूप को दूर करने के लिए भगवान कृपा करते हैं और कृपा करके हमने जिसे सौभाग्य मान रखा है उसको हर लेते हैं। मान गया, धन गया, यश गया, प्रतिष्ठा गई, सब कुछ चला गया तो मनुष्य रोने लगता है, छटपटाने लगता है। पर उस समय दया में प्रभु मधुर मधुर मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं कि यह मेरा प्यारा बच्चा विपत्ति से बच गया। जिसे हम संपत्ति मानते हैं सचमुच वह विपत्ति ही है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरण विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। श्री तुलसीदास जी के शब्दों में, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। जिस काल में भगवान का साधन भजन, उनका मधुर स्मरण नहीं होता, वह काल भले ही सौभाग्य का माना जाए। उस समय चाहे चारों ओर यश कीर्ति मान पूजा होती हो, सब प्रकार के भोग उपस्थित हों, समस्त सुख उपलब्ध हो, पर जो भगवान को भूला हुआ है, भगवान की ओर से उदासीन हो, तो वह विपत्ति में ही है। असली विपत्ति है यह। इस विपत्ति को भगवान हरण करते हैं अपने स्मरण की संपत्ति देकर। यहाँ श्री भगवान की कृपा प्रतिफलित होती है। जब हम धन पुत्र की प्राप्ति, व्यापार की उन्नति, कमाई प्रशंसा, शरीर के आराम, अच्छे मकान, कीर्ति, अधिकार आदि को भगवान की कृपा मान लेते हैं, तब उसे बहुत छोटे से दायरे में ले आते हैं और गलत समझते हैं। भगवान की कृपा यहाँ भी है, परंतु ये समस्त सामग्रियां भगवान की पूजा के उपकरण बनी हुई हों तो, और यदि ये सब भोग सामग्रियां सारी की सारी चीजें भगवान के पूजन का उपकरण न बनकर अपने ही पूजन में मनुष्य को लगाती हैं, तो वहां भगवान का तिरस्कार होता है, अपमान होता है। वस्तुतः भगवान इनको इसलिए देते हैं कि इनके द्वारा भगवान की पूजा करके मनुष्य कृतार्थ हो जाए। पर ऐसा न करके वह यदि इनका स्वामी बनकर भगवान को भूल गया तो वह भोगों का स्वामी नहीं, भोगों का किंकर है। भोग उसे चाहे जहां ले जाते हैं वे उसे धर्मच्युत कर देते हैं, वह भोग का गुलाम है। इसलिए भगवान ने भोगों को दुख योनि कहा है। भोगों पर स्वामित्व हो, मन निग्रहित हो, सारे के सारे भोग और अंतःकरण निरंतर भगवान की सेवा में लगे हों, तभी भोगों का स्वामित्व है। ऐसा नहीं है तो भोग का स्वामी कहलाकर भी वह भोगों का गुलाम बना हुआ है, और जहाँ भोगों की गुलामी है वहाँ भगवान की कृपा कैसी। भगवान की कृपा तो वहाँ आती है जहाँ सारी गुलामी छूटकर केवल भगवान की दासता होती है, तमाम परतंत्रता टूट गई, रह गया केवल भगवान का चरण आश्रय।
वहीं होता है भगवान की कृपा का प्राकट्य। जितनी जितनी भोगों में वृद्धि होती है उतनी उतनी उनकी दासता बढ़ती है। जिसकी जितनी बड़ी ख्याति जितनी बड़ी कीर्ति है उसकी उतनी ही अधिक बदनामी होती है। इसलिए भोग बाहुल्य भगवान की कृपा का लक्षण नहीं है। भगवान की कृपा तो वहाँ होती है जहाँ भगवान का प्रेम और भगवान के चरणों का अनुराग है। कितने साधक कहते हैं कि अमुक आदमी कितना सुखी हो गया, कितने पैसे वाला हो गया, उसके व्यापार हो गया, आपने उन पर कृपा करी। हमारे साथ तो आपका दुर्भाव है, पर उन्हें कैसे समझाया जाए कि भोग बाहुल्य तो भगवान की अकृपा का लक्षण है। तुलसीदास जी ने घोषणा की है कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन बेजग मंगलकारी। जिसको भगवान सीताराम प्यारे नहीं हैं, वे यदि प्यारे से प्यारे हों परम स्नेही हों तब भी वे त्याज्य हैं। यदि हम किसी के माता पिता भाई गुरु स्वामी हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें भगवान में लगाने का प्रयास करें, न कि उन्हें नरकों में पहुंचाने का प्रबंध कर दें। वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाई भाई नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, और वह देवता देवता नहीं जो भगवान से हटाकर हमें भोगों में लगा दे। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूजो प्राण ते प्यारो, जाते हो स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। वही परम हितेशी है, वही परम पूज्य है, वही प्राणों का प्यारा है, जिससे राम के चरणों में स्नेह बढ़े, यह हमारा निश्चित मत है। भगवान में मन लगे, भोगों से मन हटे। वास्तव में भोगों को प्रोत्साहन देना मनुष्य को बिगाड़ना है, उसे बुरे मार्ग में लगाना है। ऐसे मार्ग में लगा देना तो उसके साथ शत्रुता करनी है। ऐसी कोई वस्तु कोई किसी प्राणी को दे दे कि वह भगवान को भूल जाए, अमृत भूलकर विष खा ले तो वह मित्र नहीं। उसका मुंह ऊपर से मीठा है और भीतर उसके हलाहल भरा हुआ है। मित्र वह है जो अंदर से मित्र है और जो हमें सुधार देता है। विषय भोगों में लगाने वाले मित्र कदापि मित्र नहीं है। ऐसे ही मित्रों के लिए कहा गया है कि जहर बढ़े दूध मुहे घड़े के सदृश ऊपर से मीठे बोलकर विषयों में लगाने वाले मित्रों को छोड़ देने में ही कल्याण है। संसार के विषय भोग ठीक ऐसे ही हैं, वे देखने में अमृत लगते हैं पर परिणाम में विष ही सिद्ध होते हैं। परिणाम में विषमिव, माता पिता गुरु भाई मित्र, किसी को दूध बताकर विष दे देना उसका उपकार करना नहीं, उसका बुरा करना है। अतः सबको स्पष्ट बता देना चाहिए कि इस विष से बचो, यह हमें मार देगा, यह नरकों में डाल देगा। पर यह कहना तो तभी बनता है जब हम स्वयं इससे बचे हुए हों। असली चीज तो यही है कि भोगों की प्राप्ति, भोगों की स्प्रहा, भोगों को प्राप्त करने की कामना, मकान मोटर अधिकार पद, पांच आदमी मेरे आगे पीछे चलें, यह कामना तथा यह सब देखकर मन का ललचाना, यह सब नरक रूप ही कहे गए हैं। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। इसलिए वे अभागे हैं, उनका जीवन नरक रूप है। संसार के इन लोभनीय वस्तुओं को देना, इनमें लगा देना, इनमें आकर्षण उत्पन्न कर देना, उसकी महत्ता बना देना हितकर नहीं है। जिनके पास ये सामग्रियां हैं उनको भी उनकी बुराइयां बता देनी चाहिए। भगवान की कृपा का आश्रय करें और भगवान की कृपा जब जिस रूप में आए स्वागत करें। यदि वह कृपा हमारा मान भंग करने वाली हो, इज्जत मिटाने वाली हो, जगत से संपर्क हटाने वाली हो, तब यह समझना चाहिए कि भगवान का सानिध्य प्राप्त होने वाला है। यह संसार का नियम है कि जगत तभी तक पकड़ता है जब तक उससे कुछ मिलता रहे। बूढ़े माता पिता को भी लोग कहते हैं भगवान सुन ले तो अच्छा है, अर्थात ये चल बसे तो सुख रहे। जगत के भोग किसी के नहीं हैं, किसी का यथार्थ प्रेम नहीं है। वन में मान में कीर्ति में कहीं भी सुख नहीं है। केवल जो आत्मा है, जो हमारा अपना स्वरूप है, जो सदा है, इस शरीर के नष्ट होने पर जो हमारे साथ रहेगा उसी में सुख है। ये धन कीर्ति और मान का सुख उधार लिया मिथ्या सुख है। हम उन्हें सुख का स्वरूप समझ लेते हैं, यही हमारी भूल है। ये न तो सुख है और ये न ये सदा रहते ही हैं। साधक को चाहिए कि वह निरंतर भोगों से मन हटाता रहे।
भोग हमारे शत्रु हैं। यह भाव मन में बार बार भरता रहे और प्रेम में आनंद में भगवान में मन लगाता रहे, इसके लिए पूरा प्रयत्न करें। भोगों का नाश हो तो दुखी न होकर परम सौभाग्य माने, उसमें सहज सुहृद श्री भगवान की कृपा का अनुभव करें। भगवान हमारे नित्य सुहृद हैं, वे कभी अकृपा करना जानते ही नहीं। मलेरिया होने पर डॉक्टर ने कड़वी दवा दे दी, हम मानते हैं कि यह हमारे लाभ के लिए है। इसी प्रकार आवश्यक होने पर भगवान हमें कड़वी दवा देंगे। डॉक्टर के द्वारा हमारे हित के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन की भांति आवश्यकता होने पर वे हमारा अंग भी काट सकते हैं, पर उसमें हमारा लाभ ही होगा। हमारे भयानक दुखदायी रोग दोष और हमारी बीमारी दूर करने के लिए भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, यह समझना चाहिए। भगवान की कृपा समझकर निरंतर उनका नाम लेता रहे और अपना जीवन भगवान की इच्छा के अनुकूल बनावे। भगवान हमारा सारा कार्य करते हैं, वे नित्य हमारा हित ही करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, यह विश्वास रखें तो निश्चय ही हम निहाल हो जाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु।